डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मालूम होगा जो भी नीट एस्पायरेंट्स हैं पूरे इंडिया में जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बात क्लियर हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 7 to 9 मिनट में ये डिसीजन दे दिया कि आपका नीट का एग्जाम 13 सितंबर को ही होगा। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जितनी भी याचिका दाखिल की गई थी सबको सबका निपटारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 से 9 मिनट के अंदर कर दिया, यानी कि अब फाइनल जो मोर्चा है वो आपको संभालना है। इस 25 डेज में आपको कैसे नीट की कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। 25 दिन याद रखिएगा, 25 डेज, तो आप ये जानिए कि 25 मॉडल सेट को सॉल्व करना है, यानी कि हर दिन एक मॉडल सेट को सॉल्व करना है। और मॉडल सेट यानी कि जो एग्जाम मॉडल सेट है नीट का मॉडल सेट, आप उसी को बनाइए जिसमें एनसीईआरटी का मैक्सिमम क्वेश्चन हो, ठीक है। मॉडल सेट मार्केट में बहुत है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, ब्रांडेड इंस्टीट्यूट, मैं किन्हीं का नाम लेना चाहूंगा, ठीक है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं अगर आकाश इंस्टीट्यूट में हूं तो मैं उसके मॉडल क्वेश्चन को प्रीफर करूंगा, ठीक है। यानी कि आकाश का जो मॉडल सेट होता है, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होता है, जो उनका प्रैक्टिस पेपर होता है, वो टू दी पॉइंट एनसीईआरटी से पूछा जाता है, ठीक है। तो उसकी तैयारी आपको तरीके से करनी है। एक एक पेपर यानी कि क्वेश्चन पेपर आपको डेली सॉल्व करना है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो चाहे वो मॉडल पेपर हो, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 12 से 15 मॉडल क्वेश्चन बना लीजिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लीजिए, और 10 कर लीजिए प्रीवियस ईयर का। डेली एक होना चाहिए, उसके लिए 3 आवर आपने रख दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ठीक है, अब आपको क्या करना है कि 2-2 घंटे, ठीक है, यानी कि 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे बॉटनी, 2 घंटे जूलॉजी और 2 घंटे केमिस्ट्री, ये टाइम आपको एनसीईआरटी के लिए लगाना है। ये टाइम आपको किसके लिए लगाना है, एनसीईआरटी के लिए लगाना है। तो एनसीईआरटी के लिए ये जो टाइम लगाओगे, ठीक है, तो बायोलॉजी में तो 4 घंटा कंप्लीट रूप से आप एनसीईआरटी को दोगे, किसी और बुक को नहीं देना है। 4 आवर डेली एनसीईआरटी को देना है बायोलॉजी में, बाकी किसी भी बुक पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। इस 4 घंटे डेली में बायोलॉजी के एनसीईआरटी बुक को पूरे 25 दिन के अंदर में 2 से 4 बार रिवाइज कर जाना है, उसमें से भी जो मैं आपको बता रहा हूं वो जरूर करना है। पूरे एनसीईआरटी के डायग्राम को विद लेवल, ठीक है, जो पॉइंट है उसको एक बार तैयार कर लेना है। पूरे एनसीईआरटी में +1 +2 के एनसीईआरटी, ये न्यू एनसीईआरटी की बात बता रहा हूं, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी की बात बता रहा हूं। जैसे पुराने एनसीईआरटी में एक साथ दिया हुआ है, ठीक है, वायरस, वायरवाइड्स, लाइकेंस, नए एनसीईआरटी में दिया हुआ है वायरस, वायरवाइड, लाइकेन एंड प्रियोन्स, ठीक है, समझ गए। पुराने एनसीईआरटी में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन नहीं दिया हुआ है, इसमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दिया हुआ है। तो नए एनसीईआरटी को देखना है, मैंने क्या बोला, +1 +2 के पूरे डायग्राम, बायोलॉजी का मैं स्पेशल बात बता रहा हूं, ठीक है, पूरे बायोलॉजी के +1 +2 के सारे डायग्राम को विद लेवल आपको नोट कर लेना है। दूसरा, जितना भी टेबल चार्ट है, एज फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें टेबल चार्ट दिया हुआ है बॉटनिकल नेम का, प्लांट के जीनस का, स्पेसीज का, उनके फैमिली का, उसको आपको देखना है प्लांट और एनिमल का, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर प्लस टू का देखेगा स्ट्रेटजी फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट, उसमें जो है टेबल वो डिफरेंट वेराइटी ऑफ व्हीट, राइस, मेज, ये सब का है, इसको आपको अच्छे से देखना है, क्वेश्चन गारंटेड है वहां से पूछेगा ही पूछेगा। और उधर जो 4 घंटा आपका बच गया फिजिक्स केमिस्ट्री में, उसमें आपको, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही है और ज्यादा ध्यान उस पे देना है जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप ये जानिए कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो फिजिकल पार्ट 2 है, ठीक है, उससे क्वेश्चन आपको ज्यादा आएगा, उस पे ध्यान देना है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन ये मतलब आते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं उसको देखना है, ठीक है, यानी कि रिएजेंट, मिक्सचर, इससे रिलेटेड,
ये बात जानिए कि नीट यूजी का जो स्टैंडर्ड होता है वो आईटी मेन के बराबर होता है, उसी हिसाब से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को चूज करना है। फिजिक्स में एक टॉपिक पे और ध्यान देना है, मॉडर्न फिजिक्स पे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। मैं बेसिकली ठीक है जूलॉजी का फैकल्टी हूं, लेकिन मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपको मैं बताने जा रहा हूं कि हाँ कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है। तो आप ये समझिए कि 4 आवर डेली फॉर बायोलॉजी एनसीईआरटी, 4 आवर डेली फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एज यू विश, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्ट टीचर। आई एम नॉट एक्सपर्ट रिलेटेड टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, मैं बॉटनी जूलॉजी दोनों का एक्सपर्ट होने की कोशिश करता हूं, यानी कि उसमें मैं मेरा कोशिश होता है, मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानता हूं, मैं सीखता रहता हूं आपसे भी, ठीक है, बुक से भी, ठीक है। तो ये जानिए कि मैं इस चीज को इसलिए बता रहा हूं कि आकाश इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम पढ़ाने के साथ साथ मैं 2 और कोचिंग को संभालता हूं, 3 कोचिंग में मैं अपनी सेवा दे रहा हूं। सारे बच्चों से जब बात होती है तो उनके एक्सपीरियंस से, या जो हमारे 1000-2000 डॉक्टर बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए, उन बच्चों से बातचीत के एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि 25 दिन में सबसे बेहतरीन तैयारी ये है कि एक एक मॉडल से डेली, ठीक है, 3 घंटा उस पे देना है, 4-4 घंटे एनसीईआरटी को देना है, बायोलॉजी को देना है, अगर 350 से ऊपर नंबर लाना है बायोलॉजी के बुक के सारे डायग्राम को, सारे टेबल को, और एग्जाम्पल में सिर्फ एनसीईआरटी को, यानी कि ईयर वाइज जो पूछता है क्वेश्चन किस डेट में किस ईयर में, खास करके जो इन्वायरमेंटल मतलब आपका बायोलॉजी है यानी कि इकोलॉजी, उसके सारे डेट्स को आपको याद करके जाना है, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बायोडायवर्सिटी एक्ट, ये सारे पढ़ के जाना है, आपको पता है हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पार्ट 1 पार्ट 2 के सारे एग्जाम्पल्स, सारे डायग्राम, सारे ईयर्स, सारे बोल्ड लाइन, ये आपको पढ़ के जाना। और मैं आपको एक और टिप्स दूं, कभी कभी समरी से भी क्वेश्चन आता है, खास करके बायोलॉजी में जो आपका समरी दिया हुआ था लास्ट में, उसको भी आपको एक बार देख जाना है। ये मत समझिएगा कोई टीचर के लिए दिया हुआ है, ओके। तो फाइनली यही करना है, 25 दिन की पूरी प्लानिंग कीजिए, ठीक है, और 25 दिन की पूरी प्लानिंग के साथ आप नीट यूजी को क्रैक कीजिए, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर डेट फिक्स हो गया तो सबके लिए हो गया, डेट अगर लेट हुआ तो सबके लिए लेट हुआ, क्वेश्चन हल्का पेपर आएगा तो सबके लिए आएगा, क्वेश्चन हार्ड आएगा तो सबके लिए आएगा, लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन वही है। तो प्लीज लग जाइए पूरे हौसला के साथ, ठीक है, कोरोना के अगर निगेटिव इफेक्ट है तो कोरोना के पॉजिटिव इफेक्ट भी बहुत है, हम लोग पॉजिटिव चैलेंजेस के साथ साथ, ठीक है, कोरोना से बचाव करते हुए और हेल्थ मेंटेन रखिए, प्रेशर भी नहीं आइए, ये एग्जाम कभी ना कभी तो देना ही था, ये नहीं कि अब हो गया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कि उसी डेट में होगा तो हम एकदम पजल हो जाए, नो, बिल्कुल तरीके से पढ़ना है, ठीक है, उस टॉपिक को बिल्कुल नहीं पढ़ना है जिसका आज तक आपने रिविजन, जिसका आज तक आपने कंसेप्ट पूरा नहीं किया। एग्जाम के टाइम में याद रखिए, जब 20-25 दिन का ड्यूरेशन बच रहा है, कोई भी नया चैप्टर हम टच नहीं करेंगे जिसको हम 2 साल में कमांड नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। मान लीजिए आपका 3 टॉपिक छूट गया, मान लीजिए 3% क्वेश्चन आपका छूट गया, तो 180, ठीक है, 180 का 3% जानते हैं मात्र कितना होता है, मात्र 4.5 क्वेश्चन हुआ, कोई घबराने की बात नहीं है बच्चे, 4 क्वेश्चन हुआ, वो 4 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, आप 176 अटेम्प्ट करके आइए, मतलब जो चैप्टर आज तक आपने नहीं कर पाया, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बॉटनी का हो, जूलॉजी का हो, उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, उसको अभी एग्जाम के टाइम में कमांड करने की कोशिश नहीं करना है। भोज के समय, ठीक है, भोज जब शुरू होने को हो तो लोग कद्दू का पेड़ नहीं लगाता है, वही काम आपको करना है, वो काम नहीं करना है, ठीक है, नए टॉपिक को टच नहीं करना है। दूसरा, किसी टॉपिक के प्रति स्पेशल अटैचमेंट एग्जामिनेशन हॉल में नहीं दिखाना है, ठीक है, वहां भी जो दिखाना है, मतलब हर पेपर को इक्वली एफर्ट्स देना है, इक्वली टाइम देना है, टाइम मैनेजमेंट वहां करना है। और एक बात, सबसे बड़ी बात, बच्चों को टेक्निकल दिक्कत कहां होती है, क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे होते हैं 1 नंबर, वो फिल कर रहे होते हैं 51 नंबर में, या कभी कभी 101 को सॉल्व करते हैं, 1 में वो फिल करते हैं, ये सब का ख्याल रखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको पहली अटेम्प्ट में पूरा हो जाएगा, और मैं आपको एक बात और बताऊं, आपने बहुत प्यार वार की कहानी सुना होगा, लव एट फर्स्ट साइट,
वो उधर ही रहने दीजिए। इधर क्या है, च्वाइस एट फर्स्ट साइट, पहली बार जो आप सोचेंगे वही च्वाइस ज्यादातर सही होता है। तो ये नहीं कि च्वाइस आपने सोच लिया, आपने उसको फिल नहीं किया, और खाली अगर ब्लैंक सर्किल आपका है तो फिर मन ललचेगा, बाद में टाइम अगर बचेगा फिर सोचिएगा, अरे इसका क्वेश्चन का जवाब कुछ दूसरे ढंग से तो नहीं होगा, फिर सोचिएगा तो गलत होगा। यानी आपने पहली बार सोचा कुछ और था, दूसरी बार सोच के लगाया कुछ और, घर पे जाओगे तो पता चलेगा क्वेश्चन मैचिंग के, आंसर मैचिंग के टाइम में, अरे वो तो पहले वाला ही सही था। तो प्लीज ये सब काम मत कीजिएगा, हमारा बात मानिएगा। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करके लास्ट में मतलब सारे सर्किल को फिल करना शुरू कीजिएगा, नो। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन का स्लॉट लीजिए, 5 क्वेश्चन सॉल्व, 5 सर्किल फिल, 5 क्वेश्चन सॉल्व, 5 सर्किल फिल, 5 क्वेश्चन सॉल्व, 5 सर्किल फिल। ये नहीं करना है पूरे फेस बना लिए, केमिस्ट्री बना लिए, बॉटनी, और लास्ट में किए कहीं बेल लग गई तो आपका सारा का सारा बेरा गर्क हो जाना है। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल देहाती भाषा में आपको तरीके से समझा दिया, ना कोई मुझे बहुत ज्यादा इंग्लिश हाई फाई बोलने आता है ना कुछ, लेकिन हाँ बायोलॉजी अच्छा पढ़ाने आता है, उसके एक्सपीरियंस से आपको मैंने ये बताया। और चूंकि 20 साल का एक्सपीरियंस है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में एक्सपीरियंस काम आता है नॉलेज के साथ साथ, इसलिए मैंने आपको ये गाइडेंस दिया। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, टेक केयर। और भी अपडेट आपको जो भी आएगा, ठीक है, रिलेटेड टू नीट एग्जाम, वो मैं आपको देते रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट, बेस्ट विशेस। एक बात आपको मैं लास्ट में बताना चाहता हूं, आपको मैंने बेस्ट विशेस तो दे दिया, सारा सारा कुछ बता दिया, अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप, ठीक है, मेरे चैनल से हेल्प लेना चाहते हैं तो गुरुकुल बायोलॉजी मंत्रा के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। ये मेरा YouTube चैनल गुरुकुल बायोलॉजी मंत्र आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, उसके प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा, ट्रिक्स का पूरा कलेक्शन है। तो ट्रिक्स का मैक्सिमम कलेक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी मतलब 40 से 50 ट्रिक्स उसके अंदर डाला गया है, लेकिन आपके 13 सितंबर तक उसमें हम सारे ट्रिक्स को इंक्लूड कर देंगे, यानी कि उस समय तक ट्रिक्स की संख्या लगभग 200 के आसपास होगी। तो 13 सितंबर के पहले पहले एक दिन का टाइम निकाल के, 2 दिन का टाइम निकाल के आप हमारे लगभग 200 ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे जाके, प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, और आप वो ट्रिक के जो मतलब ट्रिक का जो चैप्टर है पूरा का पूरा उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उस ट्रिक में आपको लगभग 200 वीडियो मिलेंगे, दो दो मिनट का, तीन तीन मिनट का, चार चार मिनट का, तो आप एक दिन में कमांड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, और बाकी वीडियो भी हमारा सारा वीडियो उस पे लगभग अपलोड हो रहा है धीरे धीरे, लगभग मतलब जितने 38 चैप्टर हैं उसमें से लगभग 20-22 चैप्टर के वीडियो अपलोड हो चुके हैं ट्रिक्स का, 200 ट्रिक्स का वीडियो मतलब जल्दी हम पूरा कर लेंगे 13 सितंबर के आसपास। ठीक है, तो ये आपको एक मदद मिलेगी, इसको भी आप फॉलो करें अगर आप बहुत अच्छा मार्क्स चाहते हैं तो। ठीक है, अगेन थैंक यू सो मच, अगेन बेस्ट विशेस, अगेन डू योर बेस्ट।